आगे पीछे सारे खो चुके हैं ये नजारे। कोई भी ना जाने क्या हुआ है, बस ये हम ही जाने। ऐसे किसी से जब मिलता है जिंदगी भी कैसे बदल जाती है, कि जैसे खिलता हो कोई गुलाब। सुना कि लड़का तेरा हो गया है दीवाना, क्या तू भी होगी उसकी दीवानी आना। क्या कह सकोगी हमको तुमसे प्यार प्यार है हुआ। बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। जी जी नाई, कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं, लेकिन आपको पता है ना कि कराची वाले लोग कहीं और रह ही नहीं सकते, और वो तो वैसे भी परदेश था, वापस तो हमें आना था ना। और फिर आमना के वालिद के जाने के बाद तो, अरे भाई आप बात बे बात भाई साहब को याद करने बैठ जाते हैं, और अगर आप यहाँ नहीं आती तो हम आपकी बेटी को देखने कैसे आते। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन वो सिर्फ मेरी बेटी नहीं, मेरे दिल का टुकड़ा है, जान है मेरी जान। और उसको भी हुनर आता है कि लोगों के दिल में किस तरह जगह बनाई जाए, जहाँ भी जाती है ना लोग उसके पीछे दीवाने हो जाते हैं। बस जमीला बहन, हमें भी ऐसे ही बच्ची चाहिए जो कि घर को घर समझे, ये नहीं कि घर में आते ही घर अलग करने का सोचे। अरे ये बात तो आप सोचिएगा भी मत, माएँ अपने बेटों को इसलिए तो नहीं पालती कि बहुएँ आए और बेटों को अलग करके ले जाए। आप यकीन करें, सारी जिंदगी मैंने अपनी सास की खिदमत की, अपनी आंखों पे बिठाया उन्हें, आखिर बेटी तो मेरी है ना, अपनी सास के नाज तो जरूर उठाएगी। माशाल्लाह भाई, अब बुलाए ना, हम भी तो देखे नाज उठाने वाली बच्ची को। हाँ क्यों नहीं, ले आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बैठो बैठो बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मेरी बेटी आमना है। छोड़ो ना, जाने दो मुझे। शोर कौन मचा रहा है बाहर, हटो, रुक जा, बात करने दो। अरे ये कौन से? देवी जी, ये बाहर भी इनको मैंने रोकने की कोशिश की, जबरदस्ती घर में अंदर घुसे चली आ रही, मैंने इनको बहुत रोका, ये सुनी नहीं रही। जबरदस्ती क्या, मेरा घर है ये, बल्कि मेरी जान की जान का घर है, मैं क्यों रुकूंगी। आप अभी जाइए, बाद में बात करेंगे। बाद में क्यों आऊंगी, मैं तारीख लेने के लिए आई हूँ। मेरा बेटा रोज मुझे यहाँ भेज देता है, 8 साल की मोहब्बत 8 अदी के बराबर होती है। जमीला ये क्या सुन रही हूँ मैं? अरे पागल है, बिला वजह की बातें करी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या मतलब है ऐसी बात नहीं है, तुम बताओ ना, तुम चुप क्यों बैठी हो, तुम ये घूमती फिरती रही है मेरे बेटे के साथ। मेरे ख्याल में अब हमें चलना चाहिए। अरे नाहिद कैसी बातें करी, आप इसकी बातों पर यकीन करिए, रुबीना समझाए ना से। इतना कुछ सुनने के बाद भी कुछ समझने के लिए रह गया, चलो नाहिद। अरे रुकिए तो, आप मेरी बात तो सुनिए, अब रुकिए ना, मिठाई तो खा के जाएं, आज हम तारीख पक्की करने वाले हैं मेरे बेटे की शादी की। क्यों रुकेंगी वो, क्यों हमारी जानों पर अजाब बन गई हो तुम? अम्मा क्या अम्मा, धमकी दे रही हो? तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे से ही होगी, मेरे बेटे की जिंदगी है ये, और बेटे की जिंदगी के लिए माँ क्या कुछ कर सकती है तुम शायद नहीं जानती। 5 साल सिर्फ इस औरत की वजह से हम दर दर भटकते रहे, घर तब्दील करते रहे, सिर्फ इसकी वजह से हर जगह पहुंच जाती थी। और तुम्हें इस घर का किसने बताया, किसने बताया तुम्हें? रोज चक्कर लगाती थी, इस तरह ही पता चला है मुझे। याद रखना ये मेरे ही घर आएगी, बाहर कहां से, तारीख लेके ही छोड़ूंगी मैं, ये मेरे घर ही आएगी। यहाँ मेरे होता दरवाजा क्यों खुला हुआ है?
मुराद, दरवाजा फिर से खुला छोड़ दिया तुमने। मुराद? कौन सा मुराद? कैसा मुराद? मेरी मुराद, मेरे दिल की, मेरी रूह की। क्या कहा उन्होंने? थोड़ा वक्त मांगा है, लेकिन मैंने कहा है कि जो मेरा बेटा कहेगा वही होगा। वही तो नहीं होता। हो जाएगा ना, बचपन से अब तक जो तुमने कहा है मैंने करके दिखाया ना तुम्हें। तुमने कहा था मुझे साइकिल चाहिए, मैंने दिला दी थी। तुमने कहा इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने क्लासें लेनी है, वो बंदोबस्त भी हो गया था, तो ये भी हो जाएगा। मोहब्बत को कहा नहीं, फिर भी हो गई। मेरे बेटे की मोहब्बत सर आंखों पर। फिलहाल तो तेरा बच्चा ही सर आंखों पे नहीं है। ऐसी बातें मत करो, तुम हो तो मैं हूं, तुम नहीं रहोगे तो मैं भी नहीं रहूंगी। हमें ना करें ऐसी मोहब्बत की बातें। मोहब्बत की है तो बातें भी उसकी करूंगी ना। आपकी मोहब्बत का नहीं पूछा, मेरी मोहब्बत का क्या हुआ? हाँ कहा उन्होंने या ना? थोड़ा सा वक्त देते हैं उन्हें, एक दो दिन। अम्मी मैं आपको चाहिए हूँ या नहीं चाहिए? हाँ। तो फिर मुझे वो ला देना जो मुझे चाहिए। बचपन से आज तक मुझे हर वो चीज ला के देती रही है जो मुझे चाहिए होती है, तो फिर मेरी मोहब्बत क्यों नहीं? मुझे लग रहा है मेरा दिल बंद हो जाएगा। पागल, कर रही हूँ ना कोशिश, हो जाएगा। आप आ गई। आमना ने मेरा पूछा या नहीं पूछा? हाँ पूछा था, कह रही थी कि वो मुराद को मैं मिस कर रही हूँ मुझे। हाँ, मिस कर रही है। वो भी मुझे मिस कर रही है अम्मी, लेकिन आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रही। कर रही हूं ना, होगा, सब कुछ हो जाएगा। सीमा हूं मैं, माएं तो अपने औलाद के लिए जान पे खेल जाती हैं, और यहां वो माँ बेटी मेरी जान पे खेल रही हैं। ठीक ही तो कह रहे हैं मुराद, मुझे सही से बात करनी चाहिए थी उनसे। वो मान जाएंगे, बस तुम देखना, मना लूंगी, भरोसा रखो मुझ पे, बस कुछ दिनों में वो लड़की यही होगी तुम्हारे घर पे, तुम देखना। मैं करती हूँ कुछ। तुम क्या समझते हो मैंने तुम्हारी बहन की शादी की कोशिश नहीं की? 5 साल हो गए तुम्हारे अब्बा को गुजरे हुए। अम्मी किसके सहारे हमें? अच्छा मैं 2-4 महीने में चक्कर लगाती हूँ तुम्हारे पास। हाँ फिर डिटेल में बात करते। क्या हुआ बेटा? अम्मी स्टेट एजेंट ने घर की पिक्चर्स भेजी हैं। अरे तब डन करो ना फौरन, देर किस बात की है? पर अम्मी वो वहां भी तो आ सकती है ना। पागल औरत है वो, पहले तो सिर्फ रोती थी अब तो धमकियां देती है। उसके बेटे की मोहब्बत की वजह से मुझे मोहब्बत के नाम से नफरत होने लगी। ऐसा मत कहे अम्मी। तो क्या कहूं, जान अजाब बनाई हुई है, कहीं नहीं छोड़ती, हर जगह पहुंच जाती है, और 1000 बार समझाया था उसके बेटे को लेकिन उसने क्या किया? अम्मी मुझे ये सारी बातें नहीं सुन। तो फिर बेटा जल्दी शादी करो ताकि तुम्हारी भी जान छूटे और हमारी भी। अम्मी मुझ में कोई कमी है क्या? ये कैसे सवाल कर रही हो तुम? मुझे शिद्दत से लगता है कि मुझ में कोई कमी है। जब किसी में कोई कमी होती है ना तभी वो किसी के साथ ज़्यादती करते। कोई कमी नहीं है तुम में, बस दुआ करो कि तुम्हारी शादी किसी अच्छे लड़के के साथ खैर आफियत से हो जाए। हेलो जी 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 मैंने फोन किया था। हाँ घर के लिए, किसी अच्छी जगह पे चाहिए? नहीं नहीं वहाँ नहीं, आप किसी बेहतर जगह पे देखें। ठीक है जरा जल्दी कीजिएगा। हाँ मुझे जल्दी चाहिए घर। अम्मी कोई फायदा नहीं, हम जहाँ जाएंगे वो आ जाएगा। जब 5 साल से हमारा पीछा नहीं छोड़ा तो फिर सब फजूल है। अम्मी आप ये तो जानती हैं ना कि जोड़ियाँ ऊपर बनती हैं। हाँ तो बस आप टेंशन क्यों ले रही है, हम कहीं नहीं जाएंगे। आप हार्ट पेशेंट हैं, आप हार्ट को स्ट्रेस नहीं देंगी। और मेरी शादी का क्या है, जब होनी होगी तो हो जाएगी। अरे कहाँ से होगी,
रोज तो वो पागल औरत कभी बेटे की तस्वीर और कभी मिठाई लेकर पहुंच जाती है। अमीर से पागल मत कहें। आप ये मत भूलें कि वो सीधा साधा जो लड़का है उस यूनिवर्सिटी में सारे लड़के बस करते हैं लोग। गलतियां इंसानों से ही हो जाती हैं बेटा। अमीर गलती गलती से होती है, जानबूझ के धोखा होता है। तुमने गलती की थी, अब तुम ये बात समझ गई हो ना। बस अब कोई फिजूल बात नहीं होगी, हम लोग मकान चेंज करेंगे। हेलो। जी 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 पीर साहब। पीर साहब जी, बंदिश? नहीं नहीं पीर साहब, हमारी तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं थी। अच्छा चले मैं देखती हूँ। ठीक है खुदा हाफिज। क्या कह रहे थे वो? कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। अम्मी आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, मैंने कहा था तुम जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें 3 महीने से समझा रही हूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। लेकिन मुझे तो है। मुझे नहीं है ना? हो जाएगी, कोशिश तो करो। कोशिश? तुमने मेरे घर रिश्ता भेजा है ना? हाँ, तो शादी के लिए रिश्ता तो भेजना पड़ता है ना। शादी मोहब्बत में की जाती है, उस दिन एक मजाक था। मोहब्बत में मजाक नहीं किया जाता अमना। अगर मोहब्बत के साथ मजाक करते हैं तो वो आपके साथ मजाक कर देती है, जान भी ले सकते हैं आप। तुम कितनी फिल्मी बातें करते हो ना। मोहब्बत करता हूँ। अजीब। पर अपनी जान जानते हो ना, औलाद भूखी हो तो मां की भूख भी मर जाती है। आप पढ़ती मुझ पर, मैं तुम्हें देख के जिंदा हो जाती हूँ। मरते को देख के जिंदा हो जाती हूँ। मरे तुम्हारे दुश्मन, उसमें भी मेरा ही नुकसान है। क्यों करते हो ऐसी बातें? अब तो बस यही बातें रह गई हैं। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें देख के जीती हूँ। ना जिए ऐसे, खसारा होगा। मम्मी हमको पता, हम जिन लोगों के लिए मरते हैं ना, वो हमें मार के दम लेते हैं। तुम भूल गए हो, तुम्हारी माँ भी जिंदा है। मौत के आगे मौत बन जाऊंगी, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हमें बस मुझे औलाद है, फिर मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा, आपका एहसान होगा। रहा दूंगी ना, सब कर दूंगी, सब्र करो, सब हो जाएगा। मैं करूंगी कुछ। तुम क्यों फिक्र करते हो? मैं सब ठीक कर दूंगी, बस तुम सब्र करो, इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं बता रही हूं ना तुम्हें।
सफर भाई, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मकान हम डन करते हैं वो बिक जाता है? हाँ अच्छा, थोड़ी देर में मैं आपसे बात करती। जी तस्नीम, बताएं क्या हुआ? बिक गया वो मकान, लेकिन वो तो रेंट पर था ना। हाँ मेरे खुदा, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? मैंने आपको बताया है ना कि मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, मुझे जल्दी से मकान चाहिए। ठीक है मैं इंतजार कर रही हूँ। तो पाए क्या हुआ? होना क्या है, जो मकान हम डन करते हैं हमारे हाथ से निकल जाता है, पता नहीं क्या मुश्किल है हमारे लिए। पीर साहब ने क्या कहा? तुम इन बातों पर यकीन रखती हो? लेकिन खुदा की लाठी पर यकीन रखना चाहिए बेटा, अल्लाह जालिम नहीं है। बिल्कुल नहीं, जालिम तो हम इंसान होते हैं। तुम फिर वही बातें लेकर बैठ गई। जाओ समीना से कहो मुझे चाय पिलाए, सर में दर्द हो रहा है। ठहरो मैं खुद जाती हूँ। ओहो किसका फोन आ गया। हेलो कौन? साजिद कौन? 7 साल पहले रिश्ता लेकर आए थे मेरी बेटी का। हाँ हाँ मुझे याद आ गया, रुबीना से बात हुई थी तुम्हारी। क्या तुम आना चाह रहे हो? हाँ हाँ ठीक है, आ जाना। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा खुदा हाफिज। कौन था? अरे तुम्हें याद है 7 साल पहले तुम्हारा रिश्ता आया था, स्टूडेंट था वो लड़का जिसके माँ बाप नहीं थे, कितना तुम्हारे पीछे पड़ गया था रिश्ते के लिए, लेकिन हमने उसे मना किया था, याद है? पीछे तो सभी पड़ा करते थे मेरे। क्या? कुछ नहीं। वो लड़का अब डॉक्टर बन चुका है और वो आना चाहते तुम्हारे रिश्ते के लिए। अल्लाह मैं तो नफिल पढ़ूंगी अगर इस जगह तुम्हारा रिश्ता हो जाए। हाथ दिया उसने मेरे हाथ में, मैं तो वली बन गया एक ही रात। 5 दिन हुए हमारी मोहब्बत को और 5 दिन में ये मकाम। अल्लाह अल्लाह। थैंक यू नहीं, ये कहो कि सारा का सारा शहर खूबसूरत है। क्या आप हर मकान में रहती हैं? सर से पांव तक गुलाबों का शजर लगता है, वजू में भी उसको छूने से डर लगता, बुत भी रखे हैं, नमाजें भी अदा होती है, दिल मेरा दिल नहीं खुदा का घर लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें अजीब लग रहा होगा कि एक लड़की ने तुम्हें प्रपोज किया। मुझे तो खुशी हुई बहुत ज्यादा, मुझे तो लगता था कि मेरी माई मुझ पे आशिक हूँ। What? अम्मी आशिक हैं? हाँ, मेरी अम्मी मुझे बहुत प्यार करती हैं। जिन लोगों की माई उन पर आशिक होती है ना, उन औरतों पे मर्द की मोहब्बत बहुत भारी पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी अम्मी मेरे लिए अपनी जान दे सकती हैं, तो मेरी जान के लिए भी अपनी जान दे सकती हैं। यकीन नहीं आ रहा, ये लड़कियां क्यों असली हमें देखकर पागल हो गई हैं? क्योंकि उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि जो लड़का उनको आंख उठाकर भी नहीं देखता था, आज उसकी नजर सिर्फ मुझ पर जम गई है। नजर? मैं नहीं रहा, तुम बन गया हूँ। तुम्हें देखता हूँ, तुम्हें सोचता हूँ, तुमसे बातें करता हूँ, तो अब तो मजे की बात यह है कि दिल चाहता सारी उम्र की करता। इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे? इससे ज्यादा जान दे सकता हूँ तुम्हारे लिए। हाथ क्यों छुड़वा लिया अब? नहीं हम चलते हैं। वैसे लगा जैसे जान निकल गई मेरी। तुम्हारी बातें सुन सुन के ना मेरी जान निकलने लगी थी। चलो पूछ के गुजरते हैं किस किस प्रकार से नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से। किन सोचों में गुम हो गई हो? समीना को कहा था चाय के लिए, जाओ से चाय का कहो। जी अम्मी। जाना तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे दिल की मुराद पूरी की। काश वहां रिश्ता हो जाए, कितना अच्छा लड़का था ना। नहीं शबाना, मुमकिन नहीं होगा कि 2 दिन बाद है अशरफ की शादी, 2-3 दिन बाद मुराद की शादी का, तुम्हें पता है सिलसिला शुरू हो जाएगा, हंगामा होगा इधर। हाँ मुझे पता है अशरफ छोटा है, लेकिन अब मुराद की भी तो, अरे वही इश्क का भूत सवार है, उस लड़की से कहता है वो ही वहीं कर। क्या मतलब है कि छोड़ो मुराद की बात? क्यों छोड़ो? तुम छोड़ सकती हो अपने बच्चों की बात, नादिया की, अनम की, अशरफ की, मैं क्यों छोड़ूं? एक वो तुम्हारी बहन है
जब उससे मैं बात करूं मुराद की, कहती छोड़ो मुराद की बातें, अपने बच्चों की बातें तो सारी कर लेती है, मेरे बेटे की बात नहीं करना चाहती है। नहीं नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ ये बात ठीक नहीं है। मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, हाँ उनको छोड़ सकती हूँ जो ये बातें कहते हैं। अम्मी अच्छा मैं बाद में। अम्मी बिस्मिल्लाह ध्यान से चला करो, खाना नहीं खाते हो ना, इस वजह से ये सब हो रहा है। अम्मी छोड़ दे। कैसे छोड़ दो, तुम जान हो मेरी, तुम्हें छोड़ूंगी तो खुद मर जाऊंगी। आपसे बातें ही करती हैं। तुम्हें क्या करूं, तुमने जिद लगाई हुई कि उसी लड़की से शादी करनी है और अम्मा ही रिश्ता लेके जाएंगी वहां, और वहां उसकी माँ के ना उसके नखरे खत्म होते हैं ना उसकी बेटी के। क्या कुछ नहीं, आपने कहा था मुझे मिस करती है। हाँ कहा था ना मिस करती है वो। आपने झूठ तो नहीं बोला था मुझसे, मैं आपको बता रहा हूँ 5 साल पहले जो किया था ना वो दोबारा करूंगा मैं। दिमाग खराब है तुम्हारा, कुछ नहीं करोगे तुम। 3 दिन है आपके पास, 3 दिन में सब कुछ ठीक कर दें आप, वरना मैं वही करूंगा। मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगी समझे तुम। 3 दिन मुराद, मुराद मेरी बात सुनो। सिर्फ 3 दिन? 3 दिन बहुत थोड़े हैं। पूरी है ना 3 दिन। तीन दिन याद है, आपको सब पता होता है ना। तो बस 3 दिन। 3 दिन बहुत कम है, एक हाँ के लिए कम नहीं होती है। पता है मैं, ये जो एक तरफा मोहब्बत होती है ना, ये एक तरफा नहीं होती है, 5 तरफा होती है। बहुत शिद्दत होती है इसमें, ये भी पता होता है कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये यकीन भी होता है कि कभी भी कुछ हो सकता है। दो तरफा मोहब्बत में सामने वाला महबूब बेवफाई करता है, एक तरफा मोहब्बत में आप अपनी जात के साथ अपने गरूर की जिंदगी के साथ बेवफाई करते हैं। जिंदगी से बेवफाई का तो मतलब पता ना। चुप करो, मैंने कहा ना कुछ करती हूं। 3 दिन हाँ रुबीना आप ठीक कह रही हैं, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। साजिद नाम है ना उसका? हाँ हाँ मुझे लड़का याद आ गया। जब वो रिश्ता रहा था ना पहले, तो उसके माँ बाप भी नहीं है, सेटल भी नहीं था, कैसे कर देते हम शादी। ठीक है ठीक है, बाद में मुझे बताइएगा आप। अच्छा खुदा हाफिज। अम्मी ये कैसा लगेगा ये पहन? ये कलर अच्छा नहीं लगता, कोई और कलर ले लो। ठीक है। अम्मी क्या हुआ? अम्मी
ये तुम्हें क्यों फोन करी है? हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां फोन करने की? एक बात कान खोल के सुन लो, मेरी बेटी की शादी होने वाली है और इस शादी को कोई नहीं रोक सकता, समझे? अम्मी आप क्या कर रही हैं? वही जो ऐसे लोगों के साथ करना चाहिए। साजिद आने वाला है, उसके सामने कोई उल्टी सीधी बात नहीं होनी चाहिए। जाओ, अच्छी तरह से तैयार हो जाओ। तुम चाहिए मुझे हमना? मुराद होश करो, नहीं रह सकता उसके मत करो इस तरह। देखो वो लोग ऐसे नहीं कर सकते, वो ठीक हो जाएगा सब कुछ, मैं समझा दूंगी उन्हें। मर जाऊंगा मैं उसके बगैर। बेटा मत अपने आप को अजियत दो, क्यों ऐसे कर रहे हो? मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात, मैं कराऊंगी तुम्हारी शादी आमना से, मैं करवा दूंगी। तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? मुराद बस कर दो ना, बस सुकून से बैठ जाओ। मैं हूँ यहाँ पे, मैं सारा कुछ कर दूंगी। मैं बताऊंगी उन्हें कि मेरा बेटा अकलौता है और बहुत प्यारा है और मुझे बहुत ज्यादा उससे मोहब्बत है और वो बहुत जहीन है, बहुत लायक है, इंजीनियरिंग में टॉप कर सकता था मुकम्मल अगर कर लेता। तुम अभी भी कर सकते हो मुकम्मल, पढ़ाई भी कर सकते हो और तुम्हारी शादी भी होगी आमना से। तुम देखना, मैं उसे लेके आऊंगी दुल्हन बना के, तुम्हारी हो जाएगी उसके साथ शादी। आंटी हम बस 2 घंटे में आ जाएंगे। बेटा जिनके साथ जिंदगी भर साथ चलना हो ना, उनके साथ शादी से पहले थोड़ा साथ चल लेना चाहिए ताकि आसानी से अंदाजा हो जाए कि सफर कैसा रहेगा। और तुमने बार बार मत बताओ कि हम जल्दी आ जाएंगे, बस मुझे पता चल गया, समझे तुम? हाँ जाओ आराम से। तुम कहीं जा रही हो क्या आंटी? वो तुम फिर आ गई पागल औरत। मैं पागल नहीं हूँ, तुम पागल हो जो अपनी बेटी की मोहब्बत नजर नहीं आती। मेरा बेटा नजर नहीं आता है। मेरा दिमाग खराब मत करो। तुम लोग बेटा जाओ जाओ। क्यों, तुम कहां जा रहे हो? तुम मेरे बेटे की मोहब्बत हो। आंटी प्लीज मुझे माफ कर दे। माफी कैसे, पागल हुआ हुआ है वो, जिद किए बैठा है, कभी 3 दिन कहता है कभी 2 दिन कहता है। पता वो मड्डे की बातें कर रहा है। देखो ये देखो मैं क्या लाई हूं तुम्हारे लिए, ये हमारे मकान के कागज हैं, दुकानों के कागज हैं। ये देखो मैं तुमसे वादा करती हूँ शादी के बाद मैं बिल्कुल तुम दोनों के साथ नहीं रहूंगी। मैं कसम खाती हूँ मैं बिल्कुल दूर हो जाऊंगी, मैं दूर से ही खुश होती रहूंगी। मैं बस अपने बेटे को खुश देखना चाहती हूँ। मेरे लिए उसकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं अपनी जान दे सकती हूँ उसके लिए। आंटी प्लीज आंटी प्लीज ऐसे बातें मत करें, मेरा दिमाग फट जाएगा। आंटी प्लीज मुझे माफ कर दे। ना करूं, तुम मान ही नहीं रही हो। कैसे माने ये पागल औरत, इसी मरे हुए के लिए कैसे माने? मरे मेरा बेटा जिंदा है। मर गया था तुम्हारा बेटा, खुदकुशी की थी उसने, के बाद ही तुम्हारी ये हालत हुई है। नहीं वो जिम्मा है था, एक लड़की की खातिर जिसने अपने दोस्तों से शर्त लगाकर मोहब्बत का दिखावा किया और 15 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। उसी लड़की की खातिर उसने खुदकुशी की थी। गलत कह रही हो तुम चलो मेरे साथ अभी। होश करो सईदा, खुदा के वास्ते होश करो। बताओ उन लड़कों को जो किसी की खातिर अपनी जान ले लेते, खुद तो जमीन आसमान के नहीं रहते लेकिन अपने माँ बाप बहन भाइयों को जिंदा दरकोर कर देते,
और उनके माँ बाप दर दर पागलों की तरह घूमते रहते जिस तरह तुम घूम रही हो। मेरी बेटी ने गलती की थी, मानती उसने गलती की थी, वो बच्ची थी, लेकिन बाद में उसने इसको बता दिया था कि ये सिर्फ मजाक है। लेकिन तुम्हारा बेटा, और उसने अपनी जान ले ली। मैं फिर बात पक्की समझू ना? आंटी मैं चलता हूं, मुझे जाना पड़ेगा अभी, शुक्रिया। हमें माफ कर दो सईद, खुदा के वास्ते माफ कर दो। रोजे मैशर मेरा गिरेबान पकड़ लेना। एक ऐसी माँ का जिसने अपनी बेटी को ये नहीं समझाया कि मोहब्बत मजाक नहीं होती, और अगर मोहब्बत को मजाक समझा जाए तो वो जिंदगी भर का रोग बन जाती है। तुम्हारे बेटे और मेरी बेटी की शादी नहीं हो सकती, इसीलिए तुम्हारी ये हालत हो गई है, पागल हो गई हो तुम। खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो। मैं पागल नहीं हूं, तुम पागल हो जो अपनी बेटी की मोहब्बत नजर नहीं आती, जो मेरा बेटा नजर नहीं आता। मैं बताती हूँ उसे जाके, खुश हो जाएगा। मैं भी बताती हूँ उसे। तुमने अच्छा नहीं किया अम्मा, तुमने अच्छा नहीं किया उसके साथ। अम्मी वो मजाक था, मैं उससे माफी मांग चुकी थी, मैंने उसे कहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। उससे तो थी ना, तुम्हारी खातिर उसने अपनी जान ले ली और अपनी माँ को जीते जी मार दिया, इसलिए खुदकुशी को हराम मौत करार दिया गया है। हराम मौत मरने वाले खुद तो जमीन आसमान के नहीं होते, लेकिन उनसे मोहब्बत करने वाले दर दर पागलों की तरह घूमते हैं, जैसे सईदा घूम रही है। मुझे तो लगता है कि थोड़े दिनों में मेरी भी हालत ऐसी हो जाएगी। फिर तुम हंसना और दुनिया तुम पर हंसेगी, और तुम अकेली रह जाओगी, कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा, सब तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, जिस तरह साजिद चला गया ना तुम्हें छोड़ के चला गया ना तुम्हें। किनार ने तो कहा था कि गलती मुझसे हुई थी। गलती तुमसे नहीं, मुझसे हुई थी, जो तुम्हारी गलतियों पे हमेशा पर्दा डालती रहती थी। जो माएं अपनी औलाद की गलतियों पे पर्दा डालती है ना, बाद में उन्हें अपने चेहरा छुपाने के लिए जगह नहीं मिलती। इस बात का एहसास मुझे हो चुका, लेकिन आज तुम्हें बता रही हूं, बेटा हो या बेटी, चाहे किसी का भी, उनके साथ खेलना नहीं चाहिए, उनके साथ कभी ऐसे भयानक मजाक नहीं करना चाहिए, वरना माँ बाप का यही हाल होता है जो आज सईदा का हुआ है। जाओ जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, चले जाओ मेरे सामने से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, जाओ यहां से। मेरा बेटा मर नहीं सकता, जिंदा है, पागल है सारे जो कह रहे, मेरा बेटा मर गया है।
माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। वो अपने आप को आग लगा के मेरी जिंदगी जहन्नुम नहीं बना सकता, नहीं मर सकता। बेटा मेरे साथ है, मेरे साथ रहता है, कुछ नहीं हुआ है उसे, वो नहीं मर सकता। तुम नहीं मर सकते। अम्मी, मुझे पता था, मुझे पता था तुम जिंदा हो, मेरे साथ हो। तुम अपने आप को नहीं मार सकते, मैं हाथ नहीं लगाई ना। अम्मी, उसी गुनाह था बेटा, तुम गुनाह नहीं कर सकते। मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। मुझे पता था कि तुम नहीं मरे हो, तो मर जाते तो मैं पागल हो जाती। सब मुझे पागल कहते। कौन सा मुराद? कैसा मुराद? फिलहाल तो तेरा बच्चा ही सर आंखों में नहीं है। अम्मी, मैं आपको चाहिए या नहीं चाहिए वो भी मुझे मिस कर रही है, लेकिन आप मेरे लिए कुछ नहीं कह रहे। एक तरफा मोहब्बत में आप अपनी जात के साथ अपने गरूर की जिंदगी के साथ बेवफाई कर गए। जिंदगी से बेवफाई का तो मतलब पता ना? लोगों के एहसासात से खेलना मतलब उनकी जिंदगी से खेलना है, और ये खेल किसी की जिंदगी तबाह करने के अलावा किसी की जान भी ले सकता है। इस सूरत में सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि उससे सच में मोहब्बत करने वाले लोग भी जिंदा दरखोर हो जाते हैं, खास करके माँ बाप जिनकी मोहब्बत बेलौस होती है। याद रखें कि खुदा की लाठी बे आवाज़ होती है, और आपका किसी से किया हुआ बुरा सलूक और मजाक आपकी जिंदगी तो क्या आखिरत भी खराब कर सकता है। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।